हेलो एवरीवन, आप पाटलिपुत्र वोकेशनल का स्टूडेंट हैं और पार्ट वन या पार्ट टू में पढ़ रहे हैं, तो आपका वोकेशनल का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट आ चुका है और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए विथ कम्प्लीट गाइड के साथ। तो आप भी फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ppup.online.in पे आना है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करके भी दिखा देता हूँ, ppup.online.in पे आ जाने के बाद यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे, आप मोबाइल से फिलअप करें या आप कंप्यूटर से फिलअप करें, उससे मैं स्टेप होगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर यू जी पी जी रेगुलर एंड वोकेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म 2020, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है कि जो आप वोकेशनल है या एक्सर्ट स्टूडेंट है, तो आप एक्सर्ट स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे रिलेटेड आता है, उससे जो भी आप एक एग्जाम टाइप है वो एग्जाम टाइप को यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स है, तो मैं कोर्स भी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर में चूज करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर दिया। उसके बाद मदर या फादर नेम, तो यहाँ पे मदर या फादर नेम को टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सही सही कैप्चा फिलअप करें, टोटल डेटा सही करेक्ट फिलअप करें, तो आपको यहाँ पे डेटा पेज शो कराएगा, डेटा शो करेगा। चलिए मैं टोटल यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सारा डेटा मेरा यहाँ पे पेज शो करा गया और यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि आपको सब। तो एक बार यहाँ पे देख लें, जो भी कुछ भी गलत हो तो स्टूडेंट, मैं सेकेंड वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ, इसमें मैं YouTube पे जाता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें आपको उसका लिंक जो ऊपर बाय आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे पहले मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आप जनरल का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये मैं वीडियो बना चुका हूँ जनरल के लिए। आप जनरल के एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से फिलअप कर सकता हूँ और आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो ये वीडियो आपको मैं डाल दूंगा ऊपर आई बॉटम में। आपका कोई भी इशू है तो यहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से मैं बताया किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकता हूँ, आप ये प्रॉब्लम को बता सकते हैं, वहाँ से सॉल्व कर लिया जाएगा और टोकन नंबर आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने थीम पे और टॉपिक पे, और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे सर्च कर लेता है, यहाँ पे शो कर गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं सहमत हूँ आई आई डी और इस पर, उसके बाद यहाँ पे आई आई डी पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसेस टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसेस टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता रजिस्ट्रेशन नंबर, पीपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही है तो ठीक है, यहाँ पे यस करें। ऐसे आप प्रीवियस रोल नंबर आपको मिल जाता है, आप सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको रोल नंबर यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर सारा चीज चेक कर लें, किस सारा चीज सही है। यहाँ पे आपको चूज करना है कैटेगरी BC1 BC2 SC ST जनरल, जो चीज में आते हैं आप यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी को चूज करना है, सब कैटेगरी में आप जो चीज में आते हैं, या नहीं हो सको यहाँ पे इस सारा चीज में तो नो, यहाँ पे चूज कर रहे हैं नेशनलिटी, यहाँ पे आप इंडियन ही या नन रिजिड, तो यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक आप कहाँ से स्टेट अपना चूज करें और यहाँ पर आपको रीजन रिलीजन यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको मीडियम हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल ही है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ऐसे नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट टाइप और पेपर टाइप भी रहेगा, यहाँ पे आपका जो आपका चेक कर लें सारी चीज मेरा यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे पेपर चूज कर लें, जो भी आप पेपर से रिलेटेड है आपको पेपर यहाँ पे शो करेगा और पेपर यहाँ पे चूज कर लें, यहाँ पे पेपर फिलअप कर लें। उसके बाद यहाँ पे पेपर टोटल आपका देख लें कि मेरा सही है। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का अपडेट करें और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके फिर एक बार चेक कर लें कि मेरा फॉर्म पूरा सही भरा हुआ है या नहीं। चलिए तो मैं फिलअप करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ये पूरा फिलअप कर लेते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी वहाँ पे इससे आप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पर आपको पैसा भी किसी प्रकार से हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, 48 घंटे तक वेट करें, उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मिल जाता है, फॉर्म नंबर को अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ ले लें। और यहाँ पर आपको रोल नंबर, तो रोल नंबर ये न्यू जनरेट किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको पहले से फिलअप आप रजिस्ट्रेशन के, वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा और सारा चीज़ यहाँ पे
दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जो फी आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे फी पे के लिए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पे नाउ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे नाउ पे आने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड कार्ड पे क्लिक करना है, तो कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या आप कोई भी चीज़, या जैसे आप यहाँ पे ये बैंक कर देते हैं तो नेट बैंकिंग वॉलेट या HDFC बैंक पे यूज से आप करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, तो कोई भी पेमेंट मेथड से आप कर सकते हैं। मैं कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कार्ड पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ अपना कार्ड नंबर को फिलअप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका CVV मतलब कार्ड के पीछे नंबर होता है उसको फिलअप करना है। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम फिलअप करना, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना, तो आपको एक OTP सेंड किया जाएगा बैंक की तरफ से, और वो OTP को यहाँ पे फिलअप करना है। OTP आपका सेम मिस रहता है तो आपको ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसा थी ना करें जिससे आपका पेमेंट, जैसे ब्राउजर का रिफ्रेश आप देख रहे हैं पेमेंट नहीं हो रहा, तो सब कुछ ना करें। चलिए मैं OTP को फिलअप कर देता हूँ और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करता हूँ। जैसे मैं OTP फिलअप कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर यहाँ से सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे मुझको डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाता है। मेरा देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और मेरा सारा चीज यहाँ पे दे दिया जा गया है, और फोन नंबर सारा चीज मेरा मिल गया है, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ से मिल गया, मेरा पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे मैं जाकर अपना, और यहाँ से मैं अपना फॉर्म स्लिप भी डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्म को भी प्रिंट नहीं करूँगा, मैं इसको जाकर बाद में प्रिंट करवा लूँगा। यहाँ से फॉर्म को मैं भी रख लिया। इस प्रकार से आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार से आप एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको कोई भी इशू आए या कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, उसका सुझाव दूंगा। ऐसा ऑसम वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें जिससे भावी अपने फॉर्म फिलअप कर पाए। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।